नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक और आप सभी देख रहे हो अपना मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल सबका डी फ्रेडिस। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह एक स्पोर्ट्स चैनल के बारे में लेकर है, और वो कौन से स्पोर्ट्स चैनल है और वो कब ऐड और किस सैटेलाइट पर ऐड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारे चैनल सबका डी फ्रेडिस पर एक गिव अवे चल रहा है, जो कि 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आपको उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ तोहफा दिया जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्रत्येक वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट अपनी राय दे देना होगा कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। तो दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एक नया जो कि एयरवाई नेटवर्क द्वारा एक नया स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया जाने वाला है, जो कि एयरवाई स्पोर्ट्स नाम से होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऑफिशियली न्यूज़ है जो कि एयरवाई नेटवर्क द्वारा हमें दी गई है, और ये चैनल आपको आने वाले 2020 के पहले हफ्ता में ही चैनल को लॉन्च किया जाएगा। और ये चैनल का जो कैटेगरी होगी वो कि स्पोर्ट होगा, और इस पर आपको लाइव मैचेस देखने को मिल सकते हैं क्रिकेट जैसे फुटबॉल के। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि हमारे फ्री टू एयर बेसिस के आधार पर चैनल देखने पसंद करते हैं। पर हम आपको बता दें, ये चैनल आपको डीडी फ्रीडेस के स्लॉट पर नहीं देखने को मिलेगा, और ये चैनल आपको एशिया सेट 105 डिग्री ईस्ट सी बैंड के सैटेलाइट पे देखने को मिलेगा, जो कि फ्री टू एयर बेसिस के आधार पर ये चैनल ऐड किया जाएगा, जो कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल फ्री में है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो जो कि एक चैनल्स होगा ये फ्री टू एयर बेसिस के आधार पर होगा, और जो कि एशिया सेट 105 डिग्री इसके सैटेलाइट पर ये चैनल ऐड किया जाएगा और ये फ्री टू एयर होगा। तो आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। बाकी फ्री टू एयर जो हमारे चाहता है उनके लिए अच्छी खबर है, जो कि एशिया सेट 105 डिग्री सैटेलाइट को ट्राई करना पड़ेगा इस चैनल को देखने के लिए। और बाकी वीडियो अच्छी से वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब। जब मिलते किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।